इस करवा चौथ पर अपने पति को हेलमेट पहनाएं। ये पहल की गई है यूपी के जिले गोरखपुर में यातायात पुलिस की तरफ से। आम लोग जिस बात को आसानी से समझ नहीं पाते हैं, हो सकता है इस खास मौके पर लोगों को समझ आ जाए और इसलिए यातायात पुलिस ने महिलाओं का सहारा लिया है। बता दें आपको, शहर में जगह जगह पुलिस ने इस तरह के पोस्टर लगाए हैं। सीओ ट्रैफिक ने पत्नियों से खास तौर पर इस पहल को कामयाब बनाने की अपील की है। एक तो हम आपको ये बताना चाहते हैं कि हम यहाँ जी बराबर यातायात का अभियान चला रहे हैं। एक विशेष अभियान भी आया है 3 तारीख से लेकर 18 तारीख, जो पूरे उत्तर प्रदेश में चलाया जा रहा है एडीजी ट्रैफिक साहब के आदेश से। आज ये कड़वा चौथ का त्यौहार मनाया जा रहा है बड़े धूमधाम से, और इसलिए हम लोगों ने एक ये नया कॉन्सेप्ट आज सोचा कि क्यों ना जो पति पत्नी साथ में जा रहे हैं बिना हेलमेट लगाए, उनको रोक के इस बात को हम याद दिलाएं कि उनके पति के जीवन से महत्वपूर्ण उनके लिए शायद ही किसी का जीवन हो। तो कम से कम इस बात को ध्यान में रखकर औरतें अपने जो भी उनके घर के लोग या अपने पति को कम से कम एक हेलमेट तो खरीद दें, ताकि जिस प्रकार की दुर्घटनाएं माने बढ़ रही हैं, जो आंकड़े हम आपके सामने पेश करते हैं उसमें कुछ कर। तो वहीं यातायात पुलिस की तरफ से इस पहल पर महिलाओं ने भी खुशी जाहिर की है। बाइट व्रती महिलाएं, आप हेलमेट पहनना चाहिए, आप कहेंगी अपने हस्बैंड से? कहेंगे, पहनाएंगे, इन्हीं के सुरक्षा के लिए है ना। हाँ, तो प्रयास करेंगे। तो वहीं एक और महिला ने समाज के लिए इसे अच्छी पहल बताया है। एक नया है कि अपने पति से गुहार कर रही हैं कि हेलमेट लगा के जो निकले, क्या कहना चाहेंगे आप? आज आप हेलमेट लगा के जाइएगा, करवा चौथ का व्रत है। आप लोगों से हम लोग निवेदन करते हैं कि आप लोग कहीं भी जाइए हेलमेट लगा के। ये समाज के लिए एक अच्छी पहल है। अच्छी पहल है, बहुत अच्छी। क्या नाम है आपका? रीता सिंह। बहरहाल पुलिस की ये पहल वाकई सराहना करने लायक है, मगर देखना होगा कि आम जनता पर इस अभियान का कितना असर होता है। SPN 9 न्यूज के लिए गोरखपुर से रविंद्र चौधरी की रिपोर्ट।